जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग टुमनी टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड कंपनी पर बात करने जा रहे हैं। काफ़ी समय से इस कंपनी पर बात नहीं हुई तो इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों इसमें देखेंगे तो लगातार एक शानदार तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो इस तेज़ी को बदल जाने का प्रयास करेंगे कि पिछले कुछ समय से जो लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, यानी कि जिनका पोर्टफोलियो इसमें रेड निशान में दिखाई दे रहा है, माइनस में चल रहा है, उनके पोर्टफोलियो को ग्रीन में आने का, यानी कि माइनस से प्लस में आने का कोई लॉजिक यहाँ पे होते हुए दिख रहा है कि नहीं, इसी को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अभी जैसे आप देख सकते हैं टुनी टेक्सटाइल का शेयर प्राइस 1.76 रुपये के आसपास चल रहा है और ये 1.15% के आसपास तेज़ी देखने के बाद शेयर प्राइस बढ़कर इतना हुआ है। हालांकि ये सिर्फ एक दिन की तेज़ी है, वहीं पर यदि मैं आपको एक सप्ताह की तेज़ी दिखाऊँ तो एक सप्ताह में देखेंगे तकरीबन 0.57% के आसपास तेज़ी पिछले पाँच दिनों में देखने को मिला है। हालांकि तेज़ी एक मंथ में भी देखने को मिला है, एक मंथ में तकरीबन 11% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि शानदार रिजल्ट यहां से कम 28 मार्च के बाद से, तो इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 10% तेज़ी कम नहीं होता, 10% का मतलब एक मंथ पहले यदि स्टॉक में कोई 1 लाख रुपये लगाया रहा था तो अभी तक बढ़कर 1,10,000 रुपये इस स्टॉक में सीधे सीधे बन रहे होते, सिर्फ एक माह पहले यदि कोई इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता। तो वहीं पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में तकरीबन स्टॉक 12.5% के आसपास टूटा है। पिछले 6 मंथ में देख सकते हैं कि ग्राफ पर भी आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे की तरफ ही आया है। हालांकि ये जो तेज़ी अभी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, तेज़ी यदि बरकरार रहता है तो ये गिरावट जो आप देख रहे हैं ये भी मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा, और यहाँ पर जो रिटर्न निगेटिव में दिख रहा है ये रिटर्न भी आपको पॉजिटिव में बहुत जल्द हो जाएगा यदि जो अभी तेज़ी इसमें देखने को मिल रहा है ये कुछ समय तक इसमें बरकरार रहता है। तब यहाँ पर आगे हम लोग टुमनी टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, कंपनी का जो काम है और कंपनी के काम के साथ कंपनी का फंडामेंटल किस तरीके का है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले टेक्निकल के माध्यम से समझ लेते हैं कि अभी इस कंपनी में चल क्या रहा है और आगे कितने समय तक और तेज़ी इसमें बनी रह सकती है। तो इसके लिए हमें आना होगा कंपनी के चार्ट पर, और अभी हम लोग कंपनी के 1 साल का चार्ट ओपन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं 1 साल का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगा तो और लंबी अवधि का चार्ट ओपन करेंगे। 1 साल के चार्ट पर आप जो देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी के लिए ये जो एरिया है 2.5 रुपये से लेकर 2 रुपये के आसपास का इसका जो सिर्फ इस लेवल के बीच का जो एरिया रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने रेजिस्टेंस भी फेस सपोर्ट भी फेस किया है, और कई बार देखेंगे तो कंपनी ने रेजिस्टेंस भी एक प्रकार से कह सकते हैं फेस किया। लेकिन क्या हुआ कि इस लेवल पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्राइस मतलब ये जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक करके और नीचे आ गया, और फिर इसका अगला सपोर्ट हो गया 1.5 रुपये। 1.5 रुपये पर आप देखेंगे इसने डब्लू टाइप का फॉर्मेशन किया है। जैसे आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर डब्लू टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, और जब भी कहीं किसी चार्ट पर डब्लू बनता है तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये प्राइस को लेकर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो ये जो डब्लू टाइप का फॉर्मेशन तो हुआ जरूर है, लेकिन शेयर प्राइस ऊपर जा भी रहा था लेकिन अभी फिर से यहाँ पर अटक गया है, यानी कि फिर से अभी ये 2 रुपये और 1.5 रुपये के बीच में ही घूम रहा है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये जो प्राइस शेयर प्राइस डब्लू टाइप का फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ जा रहा है ये 2 रुपये के ऊपर आकर सस्टेन है, क्योंकि ये वाला एरिया जैसे मैंने बताया शुरू में कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है। तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर ये प्राइस जाकर सस्टेन करे, कुछ समय तक यहाँ पर समय बिताए, उसके बाद शेयर प्राइस फिर ऊपर निकलेगा तो ये 2 रुपये और फिर 2.5 रुपये के लेवल को पार करके ऊपर जाएगा। और जब तक ये 2.5 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक शेयर प्राइस को मतलब इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दो मेजर रेजिस्टेंस इसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक आप बात मानिए, यदि शेयर प्राइस में 2 रुपये के ऊपर निकलता है और उसके अलावा कंपनी का फंडामेंटल कुछ और बेहतर होते हुए दिखता है तो बहुत जल्द इसका शेयर प्राइस आपको इजीली 3 रुपये तक जाते हुए दिख जाएगा। पहले ये समझ लीजिए कि टुनी टेक्सटाइल्स जो कंपनी है काम क्या करती है। तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि टेक्सटाइल्स के सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, और साथ में ये जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं जैसे जीन्स फैब्रिक वगैरह बनाना ये सब भी बनाते हैं, इसका मेन काम यही है। फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे तो फंडामेंटल में देखेंगे तकरीबन 23 करोड़ के आसपास की कंपनी है। हालांकि मार्केट कैप अभी कम हो गया शेयर प्राइस कम होने से, जब शेयर प्राइस ज़्यादा था पिछले 2 सालों में देखें तो मार्केट शेयर प्राइस कम ही हुआ है। तो जब शेयर प्राइस कम हो तो मार्केट कैप भी कम होता है, हर एक कंपनी का होता है। अच्छी बात यह है कि जो शेयर प्राइस है इसके बुक वैल्यू से अधिक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी तथा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो ये माइनस में नहीं है। ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनका देखेंगे तो ये जो दोनों होते हैं ना आरओई और आरओई और आरओसी माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में ये एक अच्छी बात है। हालांकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि छोटी कंपनी का इससे अपेक्षा भी नहीं कर सकते आप कि ये कंपनी आपको डिविडेंड दे। देखिए, जिस तरीके की कंपनी और जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसका फ्यूचर है भविष्य में भारत में, ये इस तरह की कंपनी ग्रो करेगी और साथ में फंडामेंटल धीरे धीरे कंपनी का मजबूत ही होगा। टेक्सटाइल सेक्टर की जब कंपनी है तो भविष्य में चमकेगी तो इसका फंडामेंटल मजबूत होगा, और जब फंडामेंटल मजबूत होगा तो शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। तो टुनी टेक्सटाइल से संबंधित जो बातें थी मैंने आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी कन्फ्यूजन होगा, सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और यदि आपके पास बेस्ट डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन MSTOCK के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।